पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। बाप कौन है बताओ, जवाब दो मुझको। किसके साथ थी रात को, किसका बच्चा है? How dare you? How dare I? अरे भाई प्रेग्नेंट तुम हो, तुम इतनी समझदार बनती हो तो ये सब कैसे हो गया? आराधना, मुझे मानने से ना सच नहीं बदल जाएगा कि तुम किसी और के बच्चे की मां बनने वाली। तुम जैसे बददिमाग आदमी के साथ ना मुझे बात ही नहीं करनी है। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, यू सिक। तुम तो बहुत अच्छी हो ना आराधना, जवाब दो कौन है वो, कौन है वो औरत जिसकी वजह से तुम प्रेग्नेंट हुई हो? क्या कहा तुमने? आदम, मैं तुम्हें जानता हूं, इतना भी अच्छा नहीं बनना चाहिए। हद करती हो यार, बताओ ना किसका भला करना यहां पर आई हो? किसी ऐसी की मदद करी जो कमजोर है ना या डरी हुई है? किमाया, प्लीज तुम ये बात किसी को मत बताना, किसी को नहीं पता, प्लीज। तुम राइट ना किमाया, तुम्हें मुझ पर शक नहीं हुआ? कभी नहीं। तुम्हें क्या लगा था कि मैं गुस्से में पागल हो जाऊंगा, तुम पे इल्जाम लगाऊंगा? शायद पहले वाला रेयांश यही करता, पर आई एम नॉट दैट गाय। किसी ने मुझे बदल दिया। आई कांट बिलीव, एंड आई कांट बिलीव कि तुम इतना बड़ा ब्लेम अपने सर पे ले रही हो। रेयांश, किमाया ने अपनी मॉम को कुछ नहीं बताया था। किमाया की कोई गलती नहीं है और उसको कुछ छुपाने की जरूरत भी नहीं है। गलती उसकी नहीं जिसने भरोसा किया, गलती उसकी थी जिसने भरोसा तोड़ा। गलती लड़की की नहीं थी, गलती उस लड़के अंगद की थी। तुम्हारे और किमाया की कोई गलती नहीं है, और ये याद रखना इन सब में मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो अब यहीं पर होती रहोगी कि मुझे कॉफी भी पिलाओगी? इनफैक्ट मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूं, चलो लेट्स गो। अब तो रोना बंद कर दो, तीन थप्पड़ खाए फालतू में, लेट्स गो। सॉरी, सब देख रहे हैं राधा, लेट्स गो। सब देख रहे हैं, चल। बहुत तेज मारती हो वैसे तुम। तुम होती कौन हो मेरी बेटी की जिंदगी में इंटरफेयर करने वाली? परमिशन किसने दी मेरे घर में मेरी बेटी के लिए फैसला लेने के लिए? मैं तुझे बदनाम नहीं होने दूंगी, ना अकेले सफर करने दूंगी। जैसे आज जो मालिनी जी पे बीतते हुए मैंने देखा, एक माँ के मन में अपनी बेटी के लिए इतना दुख, इतना प्यार। काश मालिनी माँ आपके लिए भी कोई हो, जिस तरह आपके माया के लिए उसकी ढाल बन के खड़े हुए। शायद आप अकेली रहती, कहाँ छुपती दुनिया की नजरों से। क्या भक्ति माँ ने आपकी शुरू में मदद की, क्या मेरी माँ ही वजह है आज मेरे जिंदा होने की? अब भी अपने आप को कोस रही हो आराधना? यू हैव डन अ गुड जॉब, तुमने अच्छा किया जो भी किया। आज मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया रे आज, और आज भक्ति माँ को भी बहुत मिस किया। तुम सही कहते हो रे आज, मैं भिखारियों की तरह दूसरों की दुनिया में झांक रही हूँ रे आज, वहां जहां मेरा कोई नहीं है, जहां कोई मुझे अपना कहने वाला नहीं है रे आज। आराधना, ऐसी बात नहीं है, अकेली पड़ गई हूँ रे आज मैं, मेरा कोई तुम अकेली नहीं हो यार, तुम कभी अकेली नहीं थी, यू ऑलवेज हैड मी। और जो तुमने आज किया है ना, वो सिर्फ एक अच्छे दिल का इंसान कर सकता है, जो तुम हो। पर उससे क्या हुआ रे आज, किमाया अब भी वही है ना? आज उसके साथ उसकी माँ है, तुम खुद कहती थी ना वो शेरनी है, शेरनी की तरह अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगी वो। किमाया को कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, उसका सर नहीं झुकेगा, उसकी हिम्मत नहीं टूटेगी। जानती हो किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। सिर्फ 25 साल बाद
फिर कोई आराधना किसी किमाया को ढूंढते हुए फिर किसी नए शहर जाएगी, क्या मेरी तरह उस बच्चे को भी अपने पिता का नाम नहीं पता होगा? क्या क्या मेरी तरह वो बच्चा भी लाचार अकेला बेसहारा? Shut up, please, all right. ये बेसहारा बनना, लाचार बनना, रोना, why? ये तुम नहीं हो, you're a strong girl. तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो. किमाया के साथ जो हुआ उसमें उसकी क्या गलती है? I know. पर फिर भी सब सिर्फ उसे ही ब्लेम कर रहे हैं. यही तो प्रॉब्लम है. हम जैसे लड़कों की हमेशा लड़कियों को ब्लेम करते हैं. लड़की गलत है, लड़की गलत है. अरे लड़का भी गलत होता है. किमाया अंगद दोनों शादी कर रहे थे ना, अंगद ने गलत किया, कोई अंगद को बोल रहा है? सब लड़की के पीछे पड़े हुए. और तुम्हारी माँ का कोई हक नहीं है तुमसे इस तरीके से बात करने का. तुम उनकी बेटी हो, अपनी बहन के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया. कोई नहीं करता ऐसे. यू डिड दैट. वो तुमको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते यार. आराधना मेरी तरफ देखो, तुमने मेरी सोच बदली है, मुझको चेंज किया है, मुझे बदला है. तुम मालिनी जी को भी चेंज करोगी. आराधना वो तुमसे नफरत नहीं करेंगी, सिर्फ और सिर्फ प्यार करेंगी और कुछ नहीं. कोई तुमसे कभी नफरत कर ही नहीं सकता, सिर्फ प्यार कर सकता. तुम्हारे और जय के चेहरे पे आजकल बस यही आराधना के नाम की हंसी ही दिखती है. पर यू नो व्हाट, इसी हंसी को मुझे मिटाना है. देखो सपने देखने में आसान होते हैं पर पूरे करने की ना एक कीमत होती है. और नसीब ने किमाया देखो तुमसे मोहब्बत करवाई है. विक्रम तो अब तुम्हारा नसीब उनसे जुड़ गया है. पर मैं इस आराधना को वो नसीब नहीं मिटाने दूंगी. सॉरी मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया. इट्स ओके, समझ सकती हूँ. आप खोए रहते हो ख्यालों में. आजकल मिजाज मोहब्बत का ये समा है. शायरी एंड ऑल. ए वैसे कॉन्ग्रेट्स, तुम्हारे पापा से बात पक्की हो गई. तुम्हें कैसे पता? मैं वही थी ना जब डैड ने बात की. अब तो आराधना को मनाना ही पड़ेगा. हे हाय, कैसी रही कल शॉपिंग? की नहीं. क्यों? आप सब लोग ही गायब हो गए थे, मैं तो जाना चाहता था. By the way, कोई टेंशन वेंशन तो नहीं थी ना? All good? कुछ नहीं, बस ठीक है. आप सब जिसे जहां होना चाहिए वो वहां है. वैसे तुम्हारे लिए शुगर फ्री. वाह, बहुत ख्याल रखने लग गई हो तुम मेरा. कहीं मैं पसंद वसंद तो नहीं आ गया? जी नहीं, I hate you, इसलिए पॉइजन खिला रही हूँ. Okay. अच्छे हो तुम. तुम ना उन लोगों में से हो जो जिनके साथ ना उनके दोस्त भी रह के सुधर जाए. अब वो हैं टेढ़ी खीर और तुम स्मूथ सॉफ्ट रबड़ी. यू एट लीस्ट गुलाब जामुन ही बोल दी थी. आई लव गुलाब जामुन. यू नो बस अब हम चारों की शादी हो जाए. यू आराधना मी जय विल ऑल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. फ्लावर्स? ये आपके लिए नहीं, मेरे जय के लिए. यार उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना. सी मैं घर का खाना भी लाई हूँ. इतना प्यार, इतना टेंशन. क्यों जलन हो रही है? जलन नहीं, वो क्या है ना जो मेरी वाली है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. महिले पास्ता लाते नहीं, ये पास्ता मुंह में फेंक के मारती. हमारा प्यार थोड़ा ऊपर नीचे, कभी बारिश कभी तूफान. यू नो विक्रम, सबके प्यार करने का तरीका ना अपना अपना होता है, पर प्यार तो है ना. वो तो है. अच्छा मैं चलती हूँ. अच्छा सुनो ना, थोड़ा ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक रुक जाओ, बस कुछ दिन और इस प्यार के तूफान को झेल लो. गुड आइडिया. टेक केयर, बाय. यार औरों की गर्लफ्रेंड कितनी केयरिंग होती है. इससे फूल मांग लो तो शायद पूरा गमला सर में मार देगी. बट आई लव यू फॉर दैट आराधना. प्रियांश ना, तुम्हारे साथ रह के काफी बदल गए. संगति का असर शायद. तुम्हारे साथ रह के हर कोई अच्छा हो जाता है. यार तुम उस रियांश के बच्चे से लड़ना बंद कर दो ना. ठीक है,
तुम कहते हो तो नहीं लड़ूंगी उनसे, कह देना अपने दोस्त से। थैंक यू। कुकीज? नहीं नहीं बस। अरे तुम फिर रियांश की तरह जिद कर रहे हो। अच्छा अच्छा खा लेता। ओके। वैसे मेरा एक और काम करोगी प्लीज? हाँ बोलो। टेक मी शॉपिंग। अरे शॉपिंग और इन सारी चीजों में ना कृति बेस्ट है, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। ये वाली शॉपिंग बस तुम ही कर सकती हो। ओके। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।